Students, welcome to my English literature class of grade 7th. Students, before commencing the chapter, first of all, I will take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Let's start with the chapter. Chapter number 6, My Breaking In. Students, today we will complete this chapter. In the last video, we have covered this chapter up to page number 75. Today, we will start this chapter from page number 76, first paragraph. The next unpleasant business was putting on the iron shoes. That too was hard at first. Next day, kya hua? बहुत नेक्स्ट डे जो था वो बहुत अनप्लीजेंट था. जो काम था वो बहुत हार्ड, बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो आयरन शूज़ थे उनको डालना था. दैट टू वाज हार्ड एट फर्स्ट. फर्स्ट टाइम उनको डालने के लिए बहुत मुश्किल होता है, हार्ड होता है. माय मास्टर वेंट विद मी टू द स्मिथ. जो मेरा मास्टर था वो मेरे साथ स्मिथ के पास गया. फॉरगेट टू सी दैट आई वाज नॉट हर्ट और गॉट एनी फ्राइट. मेरे को देखने के लिए कि मैं कहीं हर्ट तो नहीं हुआ और मुझे कोई डर तो नहीं लगा उनको शूज़ को डालने के लिए. The blacksmith took my feet in his hand. जो blacksmith था उसने मेरे feet को अपने हाथ में पकड़ लिया. One after the other and cut away some of the hoof. उसने क्या किया, एक के बाद दूसरे को उसने कट कर दिया. Away some of the hoof. It did not पेन में, उसने उस चीज़ ने उसको पेन नहीं किया. सो आई स्टूड स्टिल ऑन 3 legs टिल ही हैड डन देम ऑल. वो कहता कि मैं अपने 3 legs के ऊपर ही, सहारे के ऊपर ही खड़ा रहा जब तक उसने सारा डन नहीं कर दिया, फाइनली कर दिया. देन ही टुक अ पीस ऑफ आयरन. फिर उसने पीस ऑफ आयरन को उठाया. द शेप ऑफ माई फुट. अपने मेरे फुट की शेप का उसने पीस ऑफ आयरन को उठाया. पहले उसने उसको कट कर दिया, फिर उसने उसके फुट की शेप को, जो उसने कट किया है आयरन की शेप में, उसको उठाया. क्लैम्प्ड इट ऑन एंड ड्रॉप सम नेल्स. फिर उसने क्लैप किया और उसने कुछ नेल्स को ड्रॉप कर दिया. थ्रो द शू क्वाइट इनटू माय हूफ. मेरे जो शूज़ थे उनके बीच में उसने नेल लगा दिया, उसको फिट कर दिया. जो वो आयरन का उसके फुट का साइज़ बनाया था उसको उसने नेल के साथ उसके शूज़ के अंदर फिट कर दिया उसको. सो दैट द शू वॉज फर्मली ऑन माई फीट फेल्ट वेरी स्टिफ. जो उसके फीट थे वो बहुत स्टिफ फील हो रहे थे और हैवी फील हो रहे थे. बट इन टाइम आई गॉट यूज टू इट. उसको जो थोड़ा मुश्किल हो रहा था उसको डालने में, उसको बहुत हैवी फील हो रहा था, पर वो थोड़ी देर बाद वो यूज टू हो गया. एंड नाउ हैविंग गॉट सो फार माई मास्टर वेंट ऑन टू ब्रेक मी टू हार्नेस. देयर वर मोर न्यू थिंग्स टू वेयर. अब कुछ टाइम बाद उसके मास्टर ने उसको ब्रेक करना था टू दी हार्डनेस और कुछ न्यू चीज़ें होने उसने वियर करनी थी. फर्स्ट अ स्टिफ हैवी कॉलर. पहले उसने क्या वियर करना था, एक स्टिफ जो हैवी कॉलर का था, जस्ट ऑन माय नेक के ऊपर, एंड अ ब्रिडल विद ग्रेट साइड पीसीज अगेंस्ट माई आईज कॉल्ड ब्लिंकर्स. और उसने एक ब्रिडल डालनी थी और विद ग्रेट साइड पीसीज अगेंस्ट माई आईज कॉल्ड ब्लिंकर्स, जिसको ब्लिंकर्स कहते हैं. एंड ब्लिंकर्स इन डीड देयर दे वर, फॉर आई कुड नॉट सी ऑन आइदर साइड बट ऑन ओनली स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ मी. नेक्स्ट देयर वॉज अ स्मॉल सैडल विद अ नेस्टी स्टिफ स्ट्रैप दैट वेंट राइट अंडर माई टेल. फिर उसके बाद उसने एक स्मॉल सैडल डालनी थी विद अ नेस्टी स्टिफ, जिसकी जो स्टिफ थी वो बहुत नेस्टी थी. दैट वेंट राइट अंडर माई टेल. राइट साइड अंडर उसके टेल में डालनी थी. दैट वॉज दी
क्रपर, आई हेटेड द क्रपर, उसको वो बहुत हेट थी उसको डालने के लिए. टू हैव माई लॉन्ग टेल डबल्ड अप एंड पोक थ्रो दैट स्ट्रैप. नेक्स्ट केम द सैडल, फिर सैडल आया, बट दैट वॉज नॉट हाफ सो बैड, वो इतना बैड नहीं था. माई मास्टर पुट इट ऑन माई बैक वेरी जेंटली, उसके मास्टर ने उसको बहुत जेंटली उसके ऊपर डाला, उसकी बैक के ऊपर. बट ऑफ कोर्स आई कुड नॉट किक सच अ गुड मास्टर, एंड सो इन टाइम आई गॉट यूज टू एवरी थिंग एंड कुड डू माई वर्क एज वेल एज माई मदर. वो कहता थोड़े टाइम में मैं हर चीज़ के लिए यूज टू हो गया, जैसे कुछ चीज़ों के लिए उसको प्रॉब्लम आ रही थी डालने के लिए, बट वो थोड़ी देर बाद यूज़ टू हो गया, क्योंकि उसका जो मास्टर था वो इतना उसको, वो इतना काइंड था, इतना जेंटल था कि उसको बहुत अच्छे वे से वो उसको डाल रहा था. आई मस्ट नॉट फॉरगॉट टू मैंशन वन पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग. वो कहता कि मैं एक चीज़ मैंशन करना, मेरे जो ट्रेनिंग का पार्ट था, विच आई हैव ऑलवेज कॉन्सिडर्ड अ वेरी ग्रेट एडवांटेज, जो मेरे लिए बहुत एक अच्छी एडवांटेज थी. माई मास्टर सेंट मी फॉर अ फॉर्टनाइट टू अ नेबरिंग फार्मर्स. मेरे मास्टर ने मेरे को रात को नेबरिंग फार्मर के पास भेजा, हु हैड अस मैडो, जिसके घर फार्म में बहुत बड़ा मैडो था, ग्रास फील्ड था. जो उसका नेबरिंग फार्मर था उसके घर में बहुत बड़ा मैडो था, एक ग्रीन फील्ड था, विच वॉज स्किटर्ड ऑन वन साइड बाय द रेलवे, जो सराउंडेड था एक साइड रेलवे की तरफ, उसके पास एक साइड रेलवे था. हेयर वर सम शीप एंड काउस एंड आई वॉज टर्न इन अमंग दैम, वहाँ पे कुछ शीप थे कुछ काउस थे. आई शैल नेवर फॉरगेट द फर्स्ट ट्रेन दैट रैन बाय. वो कहता कि मैं कभी नहीं फॉरगेट करूँगा जो फर्स्ट ट्रेन थी जो वहाँ से निकली थी, पास हुई थी. आई वॉज फीडिंग क्वाइटली नियर द पेल्स विच सेपरेटेड द मैडो फ्रॉम द रेलवे. When I heard a strange sound at a distance and before I knew whence it came, with a rush and a clatter and a puffing out of smoke, a long black train of something flew by and was gone almost before I could draw my breath. वो कहता मेरी सांस लेने से पहले वो जो ट्रेन थी इतनी तेजी से गई, वहाँ से निकल के पास हुई, एक लॉन्ग सी बड़ी सी ट्रेन थी ब्लैक कलर की, जो वहाँ से निकली, जिसके ऊपर से स्मोक निकल रही थी. आई टर्न्ड एंड गैलोप्ड टू द फर्दर साइड ऑफ द मैडो एज फास्ट एज आई कुड. वो कहता मैं आगे की साइड गया मैडो के जितनी जल्दी हो सके उसको देखने के लिए ट्रेन को. एंड देयर आई स्टूड स्नॉटिंग. फिर मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ नॉइस हो रही है, सडनली नॉइस हो रही है, विद एस्टॉनिशमेंट एंड फियर. उसको बहुत फियरफुल साउंड सुनाई दे रही थी. इन द कोर्स ऑफ द डे, उस कोर्स ऑफ डे में मैनी अदर ट्रेन्स वेंट बाय, और बहुत ट्रेन्स जा रही थी वहाँ से. सम मोर स्लोली, कुछ स्लोली थी. दीज ड्रू अप एट द स्टेशन क्लोज बाय एंड समटाइम्स मेड एन ऑफुल श्रेक. कुछ स्लो जा रही थी और भी बहुत ट्रेन्स जा रही थी. वो तो लंबी ट्रेन, बहुत बड़ी सारी जो ट्रेन थी वो तो निकल के गई ही थी, तो बट और भी बहुत ट्रेन्स जा रही थी जो स्लोली जा रही थी और समटाइम वो बहुत ऑफुल थी. एंड ग्रोन बिफोर दे स्टॉप, और बहुत ज़ोर से आवाज़ देती थी रुकने से पहले. आई थॉट इट वॉज ड्रेडफुल, मुझे फील हो रहा था कि ये बहुत ड्रेडफुल है. बट द काउस वेंट ऑन ईटिंग वेरी क्वाइटली एंड हार्डली रेज देयर हेड्स एज द ब्लैक फ्राइटफुल थिंग केम पफिंग एंड ग्राइंडिंग पास्ट. जो काउ थी पर वो अपना क्वाइटली एट कर रही थी, जो भी उनको फूड डाला जाता था वो हार्डली क्वाइटली खा रही थी. एंड हार्डली रेज देयर हेड्स, अपने हेड्स को रेज करती थी एज द ब्लैक फ्राइटफुल थिंग केम पफिंग एंड ग्राइंडिंग पास्ट. जब वो एक ब्लैक फ्राइटफुल थिंग उनके पास में से निकलती थी. फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज़ में क्या हुआ, आई कुड नॉट फीड इन पीस. मुझे पीस फील नहीं हो रहा था. बट एज आई फाउंड दैट दिस टेरेबल क्रिएचर नेवर केम इन टू माई फील्ड और डिड मी एनी हार्म. जब मैंने फिर फाउंड किया कि ये जो टेरेबल चीज़ है ये कभी भी नहीं आई
ये फील्ड में और मेरे को कभी हार्म नहीं किया. आई बिगैन टू डिस रिगार्ड इट, मैं डिसरिगार्ड हो गया. एंड वेरी सून आई केयर एज लिटल अबाउट द पासिंग ऑफ अ ट्रेन एज द काउस एंड शीप डिड. बहुत जल्दी कहता कि जब भी कोई ट्रेन पास होती थी तो मैंने केयर करना स्टार्ट कर दिया ऑफ अ ट्रेन एज द काउस एंड शीप डिड. जैसे ही वो काउस और शीप करती हैं तो वैसे ही मैं भी अलर्ट हो गया. मैंने केयर करनी स्टार्ट कर दी जब भी कोई ट्रेन वहाँ से मेडो के पास में से सामने में से पास होती थी. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 6. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. रीड दिस चैप्टर केयरफुली. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.